नमस्ते कार, और आज हम खड़े हैं कोरियन एसयूवी के सामने जिसका नाम है शेवरले कैप्टिवा। 2006 में लॉन्च हुई थी और ये फर्स्ट जनरेशन वेरिएंट आप देख रहे हैं। सिर्फ डीजल में आती थी, रेंज शुरू होती थी एक्स शोरूम 19 लाख रुपीस से और टॉप मॉडल की कीमत थी 21 लाख रुपीस। और ये टॉप मॉडल LTZ आप देख रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में शेवरले ने इस जनरेशन कैप्टिवा को इक्विनॉक्स से रिप्लेस किया है। फॉग लाइट, क्रोम हाईलाइट में ग्रिल, शेवरले का बोटाई लोगो और ये प्रोजेक्टर हेडलैम्प, वाइपर्स, रूफ रेल्स हैं, पावर एडजस्टेबल हीटेड आउटसाइड मिरर्स हैं टर्न इंडिकेटर के साथ, एयर डैम, रनिंग बोर्ड्स हैं। 4.6 मीटर लेंथ है, 1.7 मीटर हाइट है, 1900 केजी कर्ब वेट है, 197 एमएम ग्राउंड क्लियरेंस है और 5.8 मीटर टर्निंग रेडियस है कैप्टिवा का। और ये 17 इंच के अलॉय व्हील, आगे और पीछे डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। ये वाइट कलर आप देख रहे हैं, सिल्वर, रेड, बीज और ब्लैक कलर का भी ऑप्शन आता था। रिमोट से आप टेलगेट ग्लास भी ओपन कर सकते हैं। 7 सीटर है कैप्टिवा। जनरल मोटर्स के कोरियन डिपार्टमेंट ने बनाई थी कैप्टिवा, जिसमें डेवू और शेवरले पार्टनर थे। ट्विन टेल पाइप्स हैं क्रोम फिनिश में, रियर फॉग लाइट, कैप्टिवा की बैजिंग, LTZ टॉप मॉडल की बैजिंग, शेवरले का लोगो, रियर वाइपर, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, ऑल व्हील ड्राइव की बैजिंग, शेवरले की बैजिंग। और ये टेल लाइट, 2016 में डिसकंटिन्यू कर दी थी शेवरले ने कैप्टिवा, और 2019 में इसकी सेकेंड जनरेशन लॉन्च हुई, जिसको MG मोटर हेक्टर के नाम से बेचती है इंडिया में, वो भी चाइनीज़ बाउजान 530 ही है, क्योंकि 2017 से शेवरले कंपनी भी बंद हो चुकी है इंडिया में। 2011 में कैप्टिवा का फेसलिफ्ट मॉडल भी लॉन्च किया गया था इंडिया में। शेवरले S3X कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कैप्टिवा। जनरल मोटर्स के थीटा प्लेटफॉर्म पर बनी है कैप्टिवा, जिसपे ओपेल एंटारा, 2008 GMC टेरेन और सैटर्न व्यू भी बनी थी। कैप्टिवा को डेवू विंस्टॉर्म के नाम से और होल्डन भी कैप्टिवा के नाम से ही बेचती थी। इसकी कजाकिस्तान, रशिया, साउथ कोरिया, थाईलैंड, उज़्बेकिस्तान, चाइना और वियतनाम में असेंबली होती थी। सेफ्टी के लिए यूरो एनकैप ने 5 में से 4 स्टार्स दिए थे कैप्टिवा को। हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ हुआ है कैप्टिवा की बॉडी में। 2200cc डीजल इंजन और 2400cc 3000cc V6 और 3200cc V6 पेट्रोल इंजन वेरिएंट्स भी आते थे, बट वो इंडिया में अवेलेबल नहीं थे। आगे मैकपर्सन स्ट्रट सस्पेंशन मिलेंगे और पीछे मल्टी लिंक लेवल राइट सस्पेंशन मिलेंगे। आगे और पीछे ट्विन ट्यूब गैस प्रेशर स्ट्रट्स भी मिलेंगे। ऑटोमेटिक लेवल राइड सेल्फ लेवलिंग सस्पेंशन है, जो लोड के हिसाब से अपने आप सस्पेंशन को स्टेबल कर देगा। अडेप्टिव ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम है टॉर्क सेंसिंग इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड कपलिंग के साथ, जो इंजन टॉर्क को ऑटोमेटिकली हर एक्सल में भेजेगा। सेफ्टी के अंदर 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, रिमोट कीलेस एंट्री और आगे की सीट बेल्ट प्री टेंशनर और लोड लिमिटर के साथ मिलेंगी। 2 साल 50,000 किलोमीटर्स की वारंटी शेवरले देती थी कैप्टिवा पे। इस फर्स्ट जनरेशन कैप्टिवा को शेवरले ने इक्विनॉक्स से रिप्लेस किया है और इसकी सेकेंड जनरेशन MG हेक्टर है, क्योंकि शेवरले कंपनी तो बंद हो चुकी है इंडिया में। सेफ्टी के लिए 5 में से 4 स्टार्स मिले हैं कैप्टिवा को। जनरल मोटर्स के कोरियन डिपार्टमेंट ने बनाया था कैप्टिवा को। और यहां से भरेंगे डीजल। आइए बूट ओपन करके देखते हैं। तो यहां आपको मिलेगी 465 लीटर की बूट स्पेस।
थर्ड रो के लिए ग्लास होल्डर है, और यहाँ टूल किट है। सीट को उठा लेते हैं, ऊपर लाइट दी गई है, और ये है 16 इंच का स्टील स्पेयर व्हील। आइए अब पीछे का पैसेंजर साइड डोर खोल कर देखते हैं। तो 6 स्पीकर्स का साउंड सिस्टम मिलेगा कैप्टिवा में। नीचे स्पीकर है, थोड़ी स्पेस दी गई है, वुड फिनिश है, पावर विंडो का बटन, स्कफ प्लेट कैप्टिवा की, और ये है लेदर अपॉल्स्ट्री। 3 हेडरेस्ट मिलेंगे। और ये आर्मरेस्ट, इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस मिलेगी। सीट के पीछे पॉकेट्स हैं, सनरूफ का भी ऑप्शन आता था कैप्टिवा में। यहाँ से सीट फोल्ड होगी और ऐसे दिखती हैं थर्ड रो सीट्स। 2 हेडरेस्ट हैं, काफ़ी लेग रूम है। यहाँ थोड़ी स्पेस है, 2 ग्लास होल्डर्स हैं, और ये 12V का चार्जिंग पोर्ट, और ऐसा दिखता है डैशबोर्ड। रैक एंड पिनियन लेदर रैप्ड स्टेयरिंग है, लेदर रैप्ड गियर नॉब भी मिलेगा, रीडिंग लाइट। आइए अब ड्राइवर साइड डोर खोल कर देखते हैं। ड्राइवर साइड 1 टच डाउन पावर विंडो मिलेगी। नीचे लाइट दी गई है, बॉटल होल्डर, काफ़ी स्पेस, स्पीकर, वुड फिनिश, पावर विंडो के कंट्रोल्स हैं, डोर लॉक अनलॉक करने का बटन है, कैप्टिवा की स्कफ प्लेट, और ये टायर प्रेशर इन्फॉर्मेशन। 8-way पावर एडजस्टेबल मिलेगी ड्राइवर सीट। आगे हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स मिलेंगी, और ये टिल्ट एडजस्टेबल स्टेयरिंग। पैडल्स, बोनेट खोलने का लीवर, यहाँ थोड़ी स्पेस सी गई है ड्राइवर के लिए। ये लाइट के कंट्रोल्स हैं, ORVM के कंट्रोल्स हैं। आइए कार ऑन कर लेते हैं। स्लाइडिंग आर्मरेस्ट के अंदर भी काफ़ी स्पेस है। यहाँ पर भी थोड़ी स्पेस, और ये स्टाइलिश मैनुअल हैंड ब्रेक, 2 ग्लास होल्डर्स हैं, और ये है 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का भी ऑप्शन था। विंटर ड्राइव मोड है, लाइटर, ये है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC, और ये ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, और ये क्लॉक, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल डिसेंट कंट्रोल का बटन है, और यहाँ अंदर भी थोड़ी स्पेस दी गई है, रिमोट है, और ये मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, ये दिखाएगा आउटसाइड टेम्परेचर, इनसाइड टेम्परेचर, कंपास, ये एवरेज रेंज, एवरेज स्पीड। यहाँ ऊपर भी थोड़ी स्पेस दी गई है, स्पीकर है, डैशबोर्ड के फिनिश, ग्लो बॉक्स के अंदर भी काफ़ी स्पेस, और ये पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर, ये आफ्टर मार्केट रियर व्यू मिरर, रीडिंग लाइट्स हैं, सनग्लास होल्डर, और ये ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर, और ये है हाइड्रोलिक पावर असिस्ट स्टेयरिंग। 4 स्पोक, ये ऑडियो सिस्टम के कंट्रोल्स हैं, और ये लाइट के कंट्रोल्स हैं, ये वाइपर के कंट्रोल्स,
और ये है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो दिखाएगा कूलेंट टेम्परेचर, आरपीएम, स्पीड, फ्यूल लेवल और कई वार्निंग लाइट्स। और ये ओडोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, ट्रिप मीटर। आइए बोनेट खोलते हैं और देखते हैं डीजल इंजन। तो ये है 2000cc इनलाइन 4 सिलेंडर SOHC कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन VM मोटरी का VCDi डीजल इंजन। 147 हॉर्स पावर है, 320 Nm टॉर्क है, 10 का एवरेज मिलेगा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में, 12 का एवरेज मिलेगा मैनुअल ट्रांसमिशन में, 65 लीटर के फ्यूल टैंक से। VCDi का फुल फॉर्म है वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो कॉमन रेल डायरेक्ट इंजेक्शन। इटालियन कंपनी VM मोटरी ने बनाया है ये डीजल इंजन 2000cc। तो कैसी लगी आपको शेवरले कैप्टिवा, हमें कमेंट्स में बताइए। थैंक यू।